Hello, students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So, children in GKR, today's topic is nocturnal animals. So, let's start the chapter. Nocturnal animals are characterized by activity during the night and sleeping during the day. Read the clues and fill in the names of the nocturnal animals in this crossword. Enjoy learning the facts. Bacho, डॉक्टरनल एनिमल्स क्या होते हैं वो रात को जागते हैं रात को अपनी एक्टिविटी करते हैं और दिन में वो सोते हैं ठीक है तो जो रात को जागते हैं या रात को अपनी एक्टिविटी करते हैं जैसे कि वो अपना शिकार पकड़ते हैं फूड ढूंढते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम डॉक्टरनल एनिमल्स कहते हैं वो रात को ही जागते हैं और दिन के टाइम पे वो सोते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं उन्हें हमें रीड करना है और उनके जो नाम है ना वहाँ पर हमें उनको क्या करना है जो क्रॉसवर्ड नीचे दिया गया है वहाँ पर उनका नाम फिल करना है पहले हम अक्रॉस में फिल कर लेते हैं ठीक है अक्रॉस वाले फिर हम करेंगे डाउन वाले अक्रॉस सिक्स लेमूर फाउंड इन मेडागास्कर लेमूर एक बंदर होता है ये मेडागास्कर में पाया जाता है तो जो मेडागास्कर में पाया जाता है उस बंदर को क्या कहा जाता है वो है आई आई मंकीज ठीक है तो आप सिक्स नंबर पे आई आई इसका नाम फिल करेंगे सेवेंथ फ्री रोमिंग डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में ये जो डॉग्स होते हैं ये फ्री फ्रीली इधर उधर रोम करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें डिंगो डॉग्स कहा जाता है तो आप सेवन नंबर पे डिंगो इनका नाम फिल करेंगे एट इट्स नेम्स मीन्स वाइट एनिमल इसका जो नाम होता है उसके नाम का मतलब क्या होता है वाइट एनिमल मतलब इन्हें सफेद जानवर भी कहा जाता है किसे कहा जाता है यह है ओपोसम नाइन्थ रैबिट ईयरड बैंडी कूट ये जो एनिमल है इसके ईयर कैसे होते हैं रैबिट की तरह होते हैं ठीक है जैसे आपने रैबिट के एनिम जो ईयर्स होते हैं वो देखें ना वो ऊपर से खड़े से रहते हैं तो उसी तरह से इसके भी ईयर्स होते हैं इसे क्या कहा जाता है इसे बिल भी कहा जाता है ट्वेल्थ ऑल्सो नोन एज पूमा अब ये जो एनिमल है इसे पूमा भी कहा जाता है इसका नाम है काउगर थर्टीन डेजर्ट रैट अब जो रैट डेजर्ट में रहता है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं गेयर बिल तो आप थर्टीन पे अक्रॉस में इसका नाम फिल करेंगे ठीक है फिफ्टीन स्पॉटेड कैट एक ऐसी कैट जिसके बॉडी में क्या होते हैं बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम मार्गरे कहते हैं सिक्सटीन स्मॉल सिलेंड्रिकल मैमल एक ऐसा मैमल जिसकी बॉडी कैसी होती है सिलेंड्रिकल होती है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं उसे मोल कहते हैं जो कि चूहों की प्रजाति का ही एक एनिमल होता है ठीक है अक्रॉस वाले आपने सारे फिल कर लिए अब हम आएंगे डाउन की तरफ आपको अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ इनके नाम जो हैं वो फिल करने फर्स्ट हैव फोर लिम्स दैट फॉर्म वेबड विम्स अब ये जो एनिमल्स होते हैं ना बच्चों इनके जो फोर फोरलिम्स होते हैं आगे के जो हाथ होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं कि ताकि वो विंग्स की तरह नजर आए ये कौन होते हैं ये होते हैं बैट ठीक है तो आप फर्स्ट नंबर पे डाउन की तरफ बैट इनका नाम लिखेंगे सेकंड बिल्ड्स डैम ऑन रिवर्स एंड स्ट्रीम अब ये जो एनिमल होता है ये रिवर्स एंड स्ट्रीम के ऊपर क्या बनाता है डैम बनाता है इसका नाम है बच्चों बीवर थर्ड ऑल्सो कॉल्ड बुश बेबी अब ये जो एनिमल है इन्हें बुश बेबी भी कहा जाता है ये कौन से एनिमल है ये है फोर्थ एन अमेरिकन जैकॉल जैकॉल जो अमेरिका में है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कोटे फिफ्थ एन ऑस्ट्रेलियन मार्शूपियल ऑस्ट्रेलियन मार्शूपियल कौन से होते हैं बच्चों ये होते हैं हमारे वोम बैट इज नॉट अ बियर ये एक बियर नहीं है लेकिन ये बियर की तरह दिखता है इसे क्या कहते हैं इसे हम आला कहते हैं जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं 11th रेन फॉरेस्ट मैमल कॉल्ड हनी बियर अब ये ऐसे जंगलों में रहते हैं जहाँ ज्यादा जा बारिश होती है ठीक है इन्हें हनी बियर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या खाते हैं हनी खाते हैं इन्हें हम कहते हैं किन का जोन फोर्टीन द ओनली मैमल विद कैरेटिन स्केल्स एक ऐसा मैमल जिसके कैरेटिन स्केल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे पैंगोलियन कहते हैं तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया और आपने देखा होगा कि किस तरह के नॉक्टर्नल एनिमल्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में अब आपको उसका रिविजन और उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है